मुरादाबाद में नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के चलते नालों की साफ सफाई न होने की वजह से बरसात के पानी का दबाव नहीं सह पाया घटिया निर्माण सामग्री से बना ये नाला। जी हां, हम आपको बताते चले मुरादाबाद में कि नगर निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों में वही नाला टूटने से गंदा पानी पीतल कामगारों के लिए वार्ड 44 में बन गई पीतल नगरी कॉलोनी में भर गया ये गंदा पानी लोगों के घरों में, जहाँ आज 20 से ज़्यादा पीतल कामगारों के घरों में नाश्ता और खाना तक नहीं बन पाया। यहाँ आपको बताते चले पीतल कामगारों के घरों के नाले का गंदा पानी भरने से लोगों को अपने रोज के काम करने तक में परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर निगम वार्ड 44 की स्थानीय पार्षद रानी सैनी का कहना है कि रात हुई बारिश के कारण नाला टूटने से पानी भर गया था, इंजन सेट पंप लगाकर जल्द ही पानी निकाल दिया जाएगा। पार्षद का कहना है कि वो इसकी भी जांच के लिए नगर निगम अधिकारियों को लिखेंगी कि वो जांच कराएं कि आखिर नाला बनाने में क्या लापरवाही हुई। ये चाहते हैं पानी निकल जाए, यहाँ का साधन हो सही, नाला बन जाए सही करके, पानी यहाँ खिंच जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। तो जितने घर हैं सब डूब। हाँ, हमारा सपना कौन सी जगह है? बीतल बस्ती। अच्छा, क्या ये पानी कैसा भरा हुआ है? पानी बरसात का भी है, उसका भी, नाले का। कहाँ का नाला आ रहा है? ये घर के इधर का, पीछे का। तो नाले की वजह से पानी भर गया है। तो कितने घरों में पानी भरा हुआ होगा? दस बारह घर हैं। इसकी शिकायत पहले नाले का भी की है किसी से? पहले भी की है। जब सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं सुनता। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि पानी आने निकले ना। क्या नाम है आपका? नीरज। हाँ, किस पोस्ट पे? सफाई सुपरवाइजर। नगर निगम में? नगर निगम में। अच्छा, कॉलोनी में पानी भर गया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये रात बारिश हुई थी काफ़ी, और ये नाला जो काफ़ी समय से पुराना है, जिस कारण रात बीच में ये नाली कहीं दीवार गिर गई होगी। जैसे ही हम लोग अधिकारियों को जैसे सूचना इसकी पूछी, तुरंत हमारा नगर निगम प्रशासन की ओर से यहाँ सफाई कार्य का कार्य तलाश चालू कर दिया गया है। जैसे आप देखो, देखिए मशीन काम कर रही है और 10 से 15 मिनट में जनता को भी इससे राहत मिल गई। अच्छा, जो कॉलोनी में पानी भरा हुआ है वो किस तरीके से निकालेंगे? अधिकारियों ने उसको संज्ञान में लिया है, ट्यूबवेल वगैरह उसमें वहाँ भेजे के जा रहे हैं, और ट्यूबवेल के द्वारा पंप के द्वारा वहाँ पानी निकालने का इसी का कार्य कराया जा रहा है।